हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए सेशन में। और आज हम करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर का पार्ट। भाई अभी तक हमने वेक्टर में क्या क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया भी वेक्टर क्या होता है, अगर कोई वेक्टर है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सबको याद है ना भाई। देखो तो सारी बातें याद होनी चाहिए, सारी बातें याद होंगी तो वेक्टर अपने आप स्ट्रांग होगा भाई। ठीक है, तो सारी बातें रिवाइज करके रखो कि वेक्टर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कुछ वेक्टर की डेफिनेशंस, और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको पता हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर, कि रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फिर मैंने रिजल्टेंट वेक्टर के कुछ केस कराए थे कि कब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम होता है, कब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिनिमम होता है ना। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस करनी है। अब ये वेक्टर का सबसे मेन पार्ट शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, कि अभी वेक्टर के कंपोनेंट भी बनते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि वेक्टर का हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है वेक्टर का कंपोनेंट, और एक हमें क्या पढ़ना है अभी कि कैसे हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आज जो हम सबसे मेन टॉपिक शुरू कर रहे हैं भाई, तो सभी लोग रेडी हो जाओ, पेन कॉपी पेंसिल रबर सब उठा लो भाई। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, नोट्स जितने बढ़िया होंगे ना उतने ज्यादा नोट कमाओगे बाद में भाई। ठीक है, तो नोट्स बढ़िया होने चाहिए, तो नोट्स बढ़िया बनाओ। ठीक है, उसको रिवाइज करो, और फिर देखो परफॉर्मेंस कैसी नहीं आएगी। फिजिक्स में परफॉर्मेंस आती है भाई, लोग कहते हैं कि फिजिक्स तो एक छलावा है, ऐसा नहीं है भाई, फिजिक्स में नंबर आते हैं, बच्चे परफॉर्म करते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज हम जो हेडिंग कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं, उसका नाम क्या भाई, तो आज अपना टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो आज का भाई अपना टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का हमें कंपोनेंट करने हैं भाई। ठीक है भाई, ये अपना टॉपिक है आज का, है इंपॉर्टेंट, जरूरत पड़ेगी आपको, 11th में भी पड़ेगी, 12th में भी पड़ेगी, हर जगह जरूरत पड़ेगी। ये टॉपिक आपका बढ़िया होगा, तो मतलब वेक्टर में आपकी विजय होगी, विजय। ठीक है, तो इसको बढ़िया कर लोगे। ठीक, चलो समझते हैं। पहली बात, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कि भी एक वेक्टर के कुछ कंपोनेंट है। तो वेक्टर के कंपोनेंट का मतलब क्या होता है भाई, वेक्टर के कंपोनेंट का मतलब होता है कि हम वेक्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भाई, अगर हम वेक्टर के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, हम लोग वेक्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब हम एक वेक्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो कहलाएंगे कंपोनेंट। एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बना सकते हो, कितने भी मर्जी आपकी। तो एक वेक्टर के दो बना लो, तीन बना लो, चार बना लो, दस बना लो, सौ बना लो, कितने बना लो, लेकिन किसी वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं, जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वो सिर्फ तीन बनते हैं। तो एक वेक्टर के कंपोनेंट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे वो सिर्फ तीन बनेंगे। ठीक है, तो पहली बात, कंपोनेंट का मतलब क्या है कि वेक्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना। कैसे डिवाइड करेंगे सीखेंगे जी, डोंट वरी। तो कैसे किसी वेक्टर को हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं वो हम सीखेंगे, आपने भी ध्यान से समझना है। और जब हम वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उन कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, हम सब चीज को बिल्कुल समझ समझ के करेंगे जी। ठीक है, सबसे पहले चलो समझते हैं। मान लो मेरे पास एक ये एक्स वाई प्लेन है, दैट इज अवर एक्स वाई प्लेन। मान लो मेरे पास एक ये एक्स और ये वाई प्लेन है, तो मेरे पास भाई ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और इस प्लेन में मान लो एक वेक्टर रखा हुआ है, मान लो इस प्लेन में वेक्टर रखा ही है, ये एक वेक्टर है ऐसे करते हैं, और मान लो है ये है ए वेक्टर। तो भाई एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर रखा है ए वेक्टर, और सपोज करो कि जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, कितना थीटा। तो ये वेक्टर पहली बात कौन से प्लेन में है, ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले प्लेन बताना चाहिए कि वेक्टर कहां है, प्लेन में है, स्पेस में है, हमारे दिल में है, आपके दिल में है। वेक्टर दिल में होना चाहिए भाई, तो वेक्टर दिल से आएगा। ठीक है भाई, तो वेक्टर कहां पर है, वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं। अगर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है
तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो एक्स और वाई प्लेन में ही बनेंगे। मान लो अगर ये वेक्टर वाई जेड प्लेन में होता, किसमें होता, वाई जेड प्लेन में होता, तो कंपोनेंट क्या बनते, वाई और जेड भी बनते। मान लो अगर वेक्टर जेड और एक्स प्लेन में होता तो कंपोनेंट क्या बनते, जेड और एक्स में बनते। तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा, पहले हम वेक्टर प्लेन में ही पढ़ रहे हैं, फिर थ्री वाला भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले हम वेक्टर को प्लेन में पढ़ रहे हैं कि अगर एक वेक्टर मान लो एक्स वाई प्लेन में है तो इस वेक्टर के जो पार्ट्स बनेंगे, इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते हैं वो मैक्सिमम तीन बनते हैं, मिनिमम दो बनते हैं। और अगर प्लेन में होगा तो दो बनेंगे। अगर वेक्टर भाई किसमें होगा, प्लेन में होगा। प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं है, प्लेन का मतलब एक सरफेस है। जैसे ये बोर्ड एक सरफेस है तो ये एक प्लेन है, आपकी कॉपी का जो पेपर है वो भी एक प्लेन है ना। आपके घर के अंदर जो दीवारें हैं जो सरफेस को टच करते हो ऐसे करके, है ना, वो भी क्या है, वो भी एक प्लेन है। तो हमारे आसपास जैसे हम सरफेस पे चलते हैं ऐसे करके, फ्लोर पे चलते हैं, तो फ्लोर का अगर सरफेस पे ऐसे हाथ लगाओगे, टेबल पे ऐसे हाथ लगाओगे, ये सब एक प्लेन है भाई। तो मेरा ये वेक्टर प्लेन के अंदर है, कौन से प्लेन में है, एक्स और वाई। तो इसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो एक्स वाई में बनने वाले हैं। किसमें बनने वाले हैं, एक्स वाई में। अब कैसे बनने वाले वो समझते हैं जी, है ना। देखो तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने दो लाइन ड्रॉ की जी। कौन कौन सी लाइन ड्रॉ की, मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ की ये वाली जी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की और एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ की। तो मैंने माना भाई इस ए का, इस ए वेक्टर का यहां पे जो कंपोनेंट बन रहा है, मान लो वो बन रहा है ए एक्स वेक्टर, ये मैंने माना है। अब ये वैल्यू कितनी होगी, क्या होगा देखेंगे। तो मैंने मान लिया कि इस ए वेक्टर का जो यहां कंपोनेंट बन रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो बन रहा है ए एक्स वेक्टर। तो अगर यहां पे ए एक्स बन रहा है तो भाई यहां पर क्या बनेगा, देखो यहां पर बन जाएगा, इसको नाम दिया मैंने ए वाई। तो बिल्कुल स्मूथली एक्स में ए एक्स, वाई में ए वाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल पढ़ाई करो। फिजिक्स सिंपल सिंपल करोगे तो आराम से आ जाएगी, डिफिकल्ट तरीके से करोगे तो फिर पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो डिफिकल्ट तरीके से करने की जरूरत ही नहीं है, समझ समझ के करोगे, धीरे धीरे करोगे, अपने आप ही आ जाएगी। तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपकी फिजिक्स जरूर स्ट्रांग होगी और बहुत स्ट्रांग होगी। तो मैंने क्या कर दिया भाई, इस ए वेक्टर को एक प्लेन में लिया एक्स वाई में, और मैंने मान लिया कि इसका एक कंपोनेंट यहां है और मैंने माना कि इसका एक कंपोनेंट यहां है। तो मैंने इसके दो कंपोनेंट मान लिए, एक इधर और एक इधर। तो भाई अब हमारे पास इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हुए जी, कौन कौन से हो गए, एक मैंने माना ए एक्स जो कि एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में याद करो हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं जो डायरेक्शन दर्शाता है, डायरेक्शन शो करता है, वो आई कैप होता है, याद है सभी को, आई कैप। और वाई एक्सिस में क्या होता है भाई, जी कैप, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, पहले तो चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए वेक्टर हैज टू कंपोनेंट्स ए एक्स प्लस में ए वाई। अब मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं भाई, इसी चीज को मैं लिखूंगा ऐसे करके भाई, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई और जे कैप। ये क्या कह रहा अभी कि ए के दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स एक्सिस में कितना है ए एक्स, वाई एक्सिस में कितना है ए वाई। तो डायरेक्शन तो होगी फिक्स कि जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो एक्स वाई में बनेंगे, और एक्स वाई में क्यों बनेंगे बताया, कोई वेक्टर कहां पर है, एक्स वाई में है, तो कंपोनेंट भी कहां बनेंगे, एक्स और वाई में बनेंगे, है ना। हम जिस देश के वासी बनते हैं उसी देश के रहते हैं, तो ये किस देश का वासी है, एक्स वाई का है ना, तो उसी में बनने वाले इसके कंपोनेंट। कहां कहां बनने वाले हैं भाई, एक्स में बनने वाले हैं और वाई में बनने वाले हैं, राइट, ओके। अब मुझे ये ए एक्स और ए वाई निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे ए एक्स और ए वाई, ये भी बहुत सिंपल तरीका है। देखो अगर मुझे ए एक्स निकालना है तो मैंने ट्राइंगल को नाम दिया ओ पी क्यू, और इसको भी कुछ नाम देते हैं यार, ओ पी क्यू, इसको चलो नाम देते हैं कुछ टी नाम दे देते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे, ठीक है, भी नाम दे दिए क्या। अब मुझे निकालना मान लो ए एक्स, ये मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है,
और अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड तो बताइए। और जो हमारा इसका मैग्नीट्यूड है वो तो ए के बराबर है कि नहीं भाई? तो ए वेक्टर का जो मॉड है, जो वैल्यू है, वो ए के बराबर है, राइट? तो इसकी वैल्यू ए के बराबर है। अब मुझे ए एक्स निकालना है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो भाई मुझे बेस निकालना है, हाइब्रिड व्यूज पता है। अब अगर मुझे बेस निकालना है और हाइब्रिड व्यूज पता है, तो बेस और हाइब्रिड व्यूज किसमें आते हैं? किसमें आते हैं भाई? तो किसमें आते हैं? कॉस थीटा में। किसमें आते हैं भाई? कॉस थीटा में। तो लगा दो फार्मूला कॉस थीटा का जी। कॉस थीटा बराबर में बेस, एंड द बेस इज द ए एक्स, एंड द हाइब्रिड व्यूज इज द ए ए। तो बताओ भाई ए एक्स कितना आ गया? ए एक्स की वैल्यू आ गई भाई ए कॉस थीटा। क्या सभी को इतनी बात समझ में आती है? और कोई भी डाउट लगे ना तो वीडियो को दोबारा आप देख लिया करो, तिवारा देख लिया करो। वीडियो का फायदा क्या है? आप जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो, सुबह शाम दिन रात। इसका एडवांटेज यही है भाई, क्योंकि तो जो हमारी क्लास होती है उसका टाइम फिक्स होता है, टीचर एक ही टाइम पर आता है ना, और उसने एक बार जो लेक्चर दे दिया, उसने जो एक बार कमिटमेंट कर दी, वो तो हो गई भी खत्म नहीं। और जो ये ऑनलाइन लेक्चर हुआ उसका यह फायदा भी, आपने जब मर्जी उठा के देख लिया, सुबह मन है तो सुबह देख लो, शाम को मन है तो शाम को देख लो, जब आपका मन करे तब देखो यार, बिंदास होकर देखो, समझ समझ के देखो, है ना, जबरदस्ती नहीं देखने का, समझ समझ के देखने का, ठीक है? तो चलो भाई देखो, तो ए एक्स कितना आ गया भाई? ए कॉस थीटा। और कौन रह गया भाई? कौन रह गया? ए वाई। तो ए वाई जो बना है ना, जो अपना ए वाई है, अब चलो ए वाई निकालते हैं। ए वाई ए वाई ए वाई, आप कलर थोड़ा चेंज करते हैं भाई थोड़ा सा, है ना। मान लो ए वाई निकालना है, अगर मुझे ए वाई निकालना है तो चलो ठीक है, ये कलर लेते हैं। अब अगर मुझे ए वाई निकालना है तो ये लंबाई जो है ना, ये लंबाई ध्यान से कर देखो, ये लंबाई इसी के तो बराबर है। तो अगर ये ए वाई है तो इसकी लंबाई भी किसके बराबर है भाई? ए वाई के बराबर है। अब अगर ये लंबाई ए वाई के बराबर है, ये लंबाई ए के बराबर है, तो क्या आप ए वाई निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब ये परपेंडिकुलर बन गया और ये हाइब्रिड व्यूज बन गया। परपेंडिकुलर और हाइब्रिड व्यूज किसमें आते हैं भाई? तो किसमें आते हैं? साइन थीटा में। तो मैंने फॉर्मूला लगाया साइन थीटा का, इस बार आई एम यूजिंग साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ भाई, परपेंडिकुलर इज द ए वाई एंड द हाइब्रिड व्यूज वंस अगेन इज द ए। बताओ भाई ए वाई कितना आ गया भाई? ए वाई आ गया अपना ए साइन थीटा। क्या हमने ए एक्स साइन कर दिया? क्या हमने ए वाई साइन कर दिया? क्या हमें ए एक्स की डायरेक्शन पता थी? क्या हमें ए वाई की डायरेक्शन पता थी? हमें सब पता भाई, हम लोग होशियार बच्चे हैं, ठीक है भाई। तो हमने इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट निकाल लिए। तो ये वेक्टर यहां पर था, इसका एक कंपोनेंट यहां बना, एक यहां बना, यहां कौन सा बना? ए एक्स। यहां कौन सा बना? ए वाई। तो ये तो डायरेक्शन दे रहे हैं कि यह आई कैप में बनेगा, ये जे कैप में बनेगा, और वैल्यू निकालनी और आसान है। जो यहां पर वैल्यू आई है वो कितनी आई भाई? ए कॉस थीटा, ये आगे वैल्यू जी। और जो यहां पर वैल्यू आई है वो कितनी आई है? ए साइन थीटा। और आपको मैं थोड़ा सा सिंपल और कर देता हूं जी, आपको जहां लगे कि थीटा एंगल बन रहा है, आपको जहां लगे कि वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, वहां कंपोनेंट हमेशा कॉस वाला बनेगा जी। लिख लो बात, ये 100% ऐसे होगा जी। अगर वेक्टर प्लेन में होगा, कहां पर होगा जी? प्लेन में। मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, अगर स्पेस की बात नहीं कर रहा, 3D की बात नहीं कर रहा। अगर वेक्टर 2D प्लेन के अंदर होगा, ठीक है, तो वेक्टर जहां पे एंगल थीटा बनाएगा वहां का कंपोनेंट हमेशा कौन सा आएगा? कॉस वाला आएगा। और जहां एंगल नहीं बनाएगा वहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन वाला आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो वन एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं ताकि हमारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल ले लिया जी, मैंने एक एक्स वाई प्लेन लिया, आपने सबने बताना है। ये मैंने एक्स वाई प्लेन ले लिया, ये मैंने भाई एक वेक्टर ले लिया, और इस वेक्टर की मान लो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं √3, ठीक है, √3 और a, ये हमारे पास एक वेक्टर है, √3 a वेक्टर, इसका कोएफिशिएंट √3 है जी, ओके। और मान लो सपोज करो कि यह एंगल 30 डिग्री का है, आपसे कहते हैं कि इसके कंपोनेंट बनाओ। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है? वाई एक्सिस।
पहली बात, वेक्टर कौन से प्लेन में है? पहला पॉइंट, वेक्टर कौन से प्लेन में है? एक्स वाई में है ना, तो कंपोनेंट कहां बनेंगे? एक्स और वाई में, राइट। तो एक कहां बनेगा? एक बनेगा यहां पर, एक कहां बनेगा? एक बनेगा यहां पर। तो भाई रूट थ्री ए वेक्टर के, चलो ऐसे करते हैं, रूट थ्री क्या ए वेक्टर ही नाम दे देते, चलो छोड़ो सिंपली कर लेते हैं। तो ए वेक्टर के बनने वाले हैं दो कंपोनेंट, कितने बनने वाले हैं? दो। कौन कौन से बनने वाले हैं? एक तो बनने वाला है ए एक्स एक्स एक्सिस में, और एक कौन सा बनने वाला है? ए वाई वाई एक्सिस में। ए एक्स जो बनेगा उसकी वैल्यू मैंने ए एक्स मान ली और डायरेक्शन आई कैप में है, ए वाई जो बनेगा उसकी वैल्यू मैंने ए वाई मान ली डायरेक्शन जे में, राइट। अब ए एक्स की वैल्यू चाहिए तो ए एक्स यहां पर चाहिए। आपको मैंने क्या बताया? जहां एंगल बनेगा थीटा, हमेशा वो कंपोनेंट कौन सा बनेगा? कॉस वाला। तो ये क्या बनेगा? ए कॉस 30। और जहां एंगल नहीं बना रहे वो खाली है, यहां पे कौन सा बनेगा? साइन वाला। तो ये तो बन गया भाई ए एक्स। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? ए एक्स की वैल्यू आ गई जी ए कॉस 30। तो ए कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2, और ये बन गया आई कैप। ए वाई वाई एक्स में, इधर कॉस वाला बना तो इधर कौन सा बनेगा? साइन वाला। तो क्या बन जाएगा जी? ए साइन 30, यहां का ए कॉस 30, यहां पर ए साइन 30। ए साइन 30 कितना होता है? ए बाई टू डायरेक्शन जी। क्या सभी को बात समझ आ रही है जी? तो आज आप लोग कैसे मैंने वेक्टर के कंपोनेंट किए तीन के अंदर, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लो, बिल्कुल ध्यान से। कोई कल की क्लास में हम लोग 2D को कर ही रहे हैं, 3D भी करेंगे जी। अब 2D भी करेंगे 3D भी करेंगे, तो समझने के लिए एक टाइम चाहिए। तो पहले आप इस पे कंसंट्रेट करो, इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि हिंदी में कागज भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आज आप लोगों ने इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है, मैंने कैसे कंपोनेंट्स बनाए हैं। आपके पास जो बुकलेट है, बुक्स पड़ी है, उसमें से क्वेश्चन ट्राई करो कि कैसे कंपोनेंट बनते हैं। कल आपको मैं और कंपोनेंट सिखाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों अब मिलते हैं कल की क्लास में, कोई क्लास मिस नहीं करेगा। एंड टिल देन गुड बाय, बाय बाय।